चलिए एक बनाते हैं भरवा टिक्की, आलू की, मटर की, पालक की, कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है। सबसे पहले आप आलू ले लें और आलू को उबाल कर उसे आपने छील लेना है और छीलने के बाद उसे मैश कर लें या ग्रेट कर लें। ये देखिए यहाँ पर आलू लिए हुए हमने। ये जो टिक्की हम बनाएंगे इसके दो लेयर्स होंगे और वो दोनों लेयर्स अलग अलग हैं। एक तो हरी लेयर है और एक नॉर्मल आलू की लेयर है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब उसके अंदर जीरा डालें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। और दूसरे पैन में तेल गर्म हो गया है, इसमें हम लेते हैं अदरक और अदरक को सौते करना है, हमने पकाना है तेल के अंदर। खैर, ये जो प्याज है इसमें आलू और उसके साथ नमक और पेपर पाउडर और थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई, फेनल पाउडर, कश्मीरी खाने में काफ़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर टिक्की में हमने डाली है ये सौंफ पिसी हुई। अब ये जो अदरक है, ये देखिए अब ये जल गया है जो अदरक, इसमें हम डालेंगे मटर, उबले हुए और थोड़े से मैश किए हुए मटर। अब ये जो आलू हैं ये तैयार हो चुके हैं, इसे हम बंद कर देते हैं। अब टिक्की की दूसरी लेयर हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मटर, इसके साथ इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ इसमें हम डालते हैं पालक, ब्लांच की हुई पालक। इसमें नमक डालें और थोड़ी देर भूनने के बाद अब ये तैयार है। इसे एक बोल के अंदर हम ले लेते हैं और ये जो बाकी बचा हुआ आलू है उसे इसके अंदर डालेंगे और उसके साथ इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ये जो दोनों बेस हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब क्या किया जाए, अब ये जो आलू है जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसकी टिक्की थोड़ी बना लेते हैं हम। और थोड़ा सा तेल लगाएं आप इधर, और इसी तरह से ये जो पालक और मटर वाला मिक्सचर है उसे भी आप ले लें। अब इसे भी तेल के ऊपर हम रखते हैं और इसके बाद इसे हमने काटना है इस तरह से और साइड से जितना बचा हुआ है उसे आप निकाल लें। और अब इसे निकालने के लिए आप पलटे का इस्तेमाल करें और इसके बाद एक इसके अंदर हमने छोटा होल करना है इस तरह से। ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन आप इसको प्यार से उठाएं और इसे किनारे पे सरका दें। और अब इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्न और चीज़, वो किस तरह से, इसके लिए आप फ्रेश कॉर्न ले लें, एकदम बढ़िया क्वालिटी का अमेरिकन कॉर्न जो है, इसके साथ इसमें ग्रेटेड चीज़ और लाल मिर्च पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये बीच में रखें आप और अब हाथ से इस तरह से दबा लें ताकि ये पूरी तरह से चिपक जाए। एक पैन में तेल गरम कर लें, आप चाहें तो इसे तवे पे भी पका सकते हैं। इसको गर्मा गर्म तेल के अंदर हमने डालना है और इसे तलना है। आप देख रहे हैं इसमें जो तेल है वो इस तरह से हमने डाला हुआ है कि थोड़ा सा नीचे का जो लेयर है वो तेल के अंदर डूबा हुआ है और बाकी जो है तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर डालते जाएंगे हम इस तरह से और इसे पकाते रहें। ये ऊपर से हम गर्म तेल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। और अब आप इसे निकाल लें,
इसमें से जो एक्स्ट्रा तेल है थोड़ा सा इस तरह से किनारे में निकाल लें और उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें अपनी पसंद की चटनी के साथ। भरवा टिक्की के लिए, आलू टिक्की के लिए 4 आलू उबले हुए और ग्रेट किए हुए, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 प्याज कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, मटर और पालक की टिक्की के लिए 2 आलू उबले हुए और मसले हुए, 1 कप मटर के दाने उबले हुए और मसले हुए, 8 पत्तियां पालक की ब्लांच की हुई यानी गर्म पानी में करीब 2 मिनट तक पकी हुई और कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च, भुट्टे वाली फिलिंग के लिए आधा कप अमेरिकन भुट्टे के दाने, आधा कप ग्रेट किया हुआ चीज, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल लेकर इसमें जीरा और प्याज डालकर भून लें। अब इसमें ग्रेट किया हुआ आलू, नमक, पेपर पाउडर और सौंफ पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे निकाल कर रख लें। अब एक पैन में तेल लेकर इसमें कटा हुआ अदरक डालकर भूनें। इसके साथ इसमें मटर डालकर कुछ देर तक पकाएं और अब इसमें डालें कटी हुई हरी मिर्च, ब्लांच किया हुआ कटा हुआ पालक और नमक। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे एक बोल में निकालकर इसमें उबला हुआ आलू और कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें कॉर्नस्टार्च डालकर मिक्स करें। अब पहले आलू के मिक्सचर से टिक्की बनाएं और इसे एक फ्लैट सरफेस पर या चकले पर तेल लगाकर एक सार कर लें। इसी तरह से पालक और आलू के मिक्सचर की भी टिक्की बना लें। टिक्की को गोल बनाने के लिए किसी कटर या ग्लास का इस्तेमाल करें। अब पालक और मटर वाली टिक्की को बीच में से गोल काट लें। इस टिक्की को आलू वाली टिक्की के ऊपर रखें और एक बोल में ग्रेट किया हुआ चीज, अमेरिकन भुट्टे के दाने और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें और इसकी एक छोटी सी गोली बनाकर पालक वाली टिक्की के बीच में रखकर इसे हाथ से दबा लें। अब एक तवे में तेल गरम करके इस टिक्की को अच्छी तरह से तल लें। बीच बीच में एक चम्मच से टिक्की के ऊपर भी गरम तेल डालें और जब ये पक जाए और सुनहरी हो जाए तब इसे गर्मा गर्म सर्व करें।